हेलो। तो यार कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले अनबॉक्सिंग वो भी एक मिड रेंज गेमिंग मोबाइल फ़ोन का, जिसका नाम है दोस्तों रेडमी नोट 10S। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं पहले। और दोस्तों जितने भी लोग इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पे एक लाइक ठोक देना। उससे पहले क्या हम इस फ़ोन को ओपन करें, इस फ़ोन का फीचर्स वगैरह थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो इस फ़ोन के पीछे 64MP का क्वाड कैमरा दिया हुआ है और प्रोसेसर जो है मीडियाटेक का हीलियो G95, जो कि पबजी वगैरह गेम खेलने के लिए एवरेज साइड ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है एमोलेड डॉट डिस्प्ले। और यहाँ पे बैटरी दिया हुआ है इन लोगों ने 5000 mAh। और ये वेरियंट है दोस्तों 6GB 120GB का, तो गेमिंग वगैरह के लिए एवरेज साइज फ़ोन है, जिसका प्राइस है 16000। और इस फ़ोन के ऊपर पबजी टेस्टिंग का वीडियो दोस्तों अलग से आने वाला है, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। और फ़ोन को फिलहाल साइड में रखते हैं और देखते हैं डिब्बे के अंदर हमें क्या ही मिलता है। तो पहले तो ये ट्रांसपेरेंट सा एक नॉर्मल सा केस दिया हुआ है रेडमी के तरफ से, जो कि ठीक ठाक ही है, इसको आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर एक मैनुअल वगैरह भी दिया हुआ है जो कि हर डिब्बे के अंदर होता है। और यहाँ पे 33W का चार्जर है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इसके साथ एक टाइप सी वाला केबल मिल जाता है जो कि ठीक ठाक ही है, इसका क्वालिटी भी तगड़ा है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब दोस्तों हम इस फ़ोन को ओपन कर लेंगे। और ये कलर दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। इसका कलर का जो वेरियंट है ये शेडो ब्लैक कलर में है, बहुत ही अमेजिंग सा लुक दे रहा है। और पीछे ग्लास का भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है इन लोगों ने, लेकिन सामने कोई ग्लास वगैरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया। तो देखो भाई कलर क्या ही चमक रहा है, इस कलर तो भाई बहुत ही बढ़िया लगा। और इसके साइड में दोस्तों प्लस माइनस यानी वॉल्यूम का बटन मिल जाता है, और उसके नीचे जो पावर वाली बटन है उसके ऊपर ही आप लोगों को फिंगरप्रिंट का सेंसर दिखने के लिए मिल जाएगा। और इसका जो सेल्फी कैमरा है वो दोस्तों 13MP का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इस साइड में आपको सिम इजेक्टर टूल वगैरह मिल जाता है, और पीछे का कैमरा तो आप लोगों को मालूम है। अब दोस्तों हम इस फ़ोन को ऑन करेंगे और देखेंगे ये बूट होने में कितना ही टाइम लेता है। तब तक आप लोग जाओ और इस वीडियो पे लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस फ़ोन का जो पूरा रिव्यू है वो आप लोगों को यूज़ के बाद ही दूंगा, पहले मैं इस फ़ोन को 1 या 2 वीक तक पर्सनली यूज़ करूँगा, उसके बाद ही इसका पूरा रिव्यू वीडियो अपलोड करूँगा, वो आप लोगों को अगली वाले वीडियो में पता चल जाएगा। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। हाँ दोस्तों अब ये फ़ोन ओपन हो चुका है, लगभग इसको बूट होने में 15 या 16 सेकेंड ही लगा है बस। और एक बात दोस्तों, इस चैनल पे मैं पबजी के गेम प्लेस वगैरह डालता रहता हूँ, तो आप लोगों को अगर पबजी के ऊपर इंटरेस्ट है तो जाके मेरा वीडियो और गेम प्लेस देख सकते हो। अगर पसंद आए तो कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना। और एक बात दोस्तों कमेंट पे बताना इस वीडियो के ये फ़ोन का फीचर्स वगैरह आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पे, तब तक मैं इस फ़ोन को सेटअप वगैरह कर लेता हूँ।